करता है, पुलिस को आगे करता है। 76 नेताओं ने फिर एक बार मोदी को घेर कर तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने और अडानी मुद्दे और विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा ने विपक्षी पार्टियों के कुनबे को एक कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवास पर बैठक में 18 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में समान विचारधारा, समान एजेंडा पर बात करने पर सहमति बनाई गई है। बैठक में शरद पवार, सोनिया गांधी, राम गोपाल यादव, राहुल गांधी सहित विपक्षी पार्टियों के कई वरिष्ठ नेताओं शामिल हुए हैं। कांग्रेस के उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से खबर की बात करें तो अप्रैल के महीने में विपक्षी पार्टियों के पार्टी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक सब ग्रुप तैयार किया जाएगा, जो 2024 लोकसभा चुनाव तक विपक्ष के सामूहिक मुद्दे पर एजेंडा पर काम करेगा। पार्टियों के बीच ये भी तय किया जाएगा कि कुछ मुख्य मुद्दे जो बीजेपी सरकार की विफलताओं और जनता से जुड़े हो, उस पर पार्टी साथ मिलकर बयान दे, बीजेपी के धार्मिक बयानों पर प्रतिक्रिया देने से बचा जाए। इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा जोर शोर से किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरा देश एकजुट हो चुका है राहुल गांधी की तरफ, उससे बीजेपी और ज़्यादा बौखला चुकी है। बीजेपी को हर चीज़ में नाकाम करने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।